हालेलुया परमेश्वर, इन सिंधियस के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज हम जो भी वर्ड सुनने वाले वो हृदय के बोर्ड में लिखने रखने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। आप आज इस परमेश्वर इस कोरोना वायरस को सब हम फायर करते हैं परमेश्वर। आज अब ये वर्ड को आशीर्वाद कर रहे हैं परमेश्वर, सबको समझने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। हम ये दुआ मांगते परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम वर्ड सुनने वाले हैं परमेश्वर के, कि परमेश्वर के वर्ड में कितना महत्व है, हालेलुया, उसके बारे में आज हम सुनने वाले। Psalms 29 में 4, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज पावरफुल, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज फुल ऑफ मेजेस्टी। फर्स्ट क्या लिखा है, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज पावरफुल। परमेश्वर का वचन पावरफुल है, परमेश्वर का वचन एक स्ट्रेंथ जैसा है, वो हमको स्ट्रेंथ देता है, वो हमको एनर्जी देता है, हालेलुया। जो भी मुसीबत आया, जो भी प्रॉब्लम आया, वो हमको स्ट्रेंथ देता है, तो एंकरेज देता है कि इसको सब सामना करने का, करके हम ये वाला जो परमेश्वर का वर्ड है वो हमको पावरफुल देता है। इसमें यही लिखा है, परमेश्वर का वचन पावरफुल है। तो सेकेंड हम देखते हैं, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज फुल ऑफ मैजेस्टी। उस परमेश्वर का वचन ग्लोरीफाई से भरा है, हालेलुया, ग्लोरीफाई फुल प्रेजेंस से भरा है। हम उसको पढ़ने के समय हम लोग को मालूम पड़ता है कि कितना प्रेजेंस है, वो हमको इतना प्रेजेंस देता है वो परमेश्वर का वचन, हालेलुया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, पांचवा इसमें देखते हैं, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड ब्रेक्स द सीडर्स, यस, लॉर्ड स्प्लेंडर्स द सीडर्स ऑफ लेबनोन। इसमें लिखा है कि एक लेबनोन करके एक झाड़ है, वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है जिसको कोई टूट ऐसा मार नहीं सकता है। तो पर इसमें लिखा है कि द वॉइस ऑफ द लॉर्ड ब्रेक्स करता है, वो लेबनोन को भी परमेश्वर ब्रेक्स करके डाल देता है। इससे हम समझते हैं कि लेबनोन से भी बड़ा प्रॉब्लम माने तो, लेबनोन से भी बड़ा कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी मुसीबत, जो भी आपके फैमिली में जो भी अभी हो रहा है, तो कुछ भी ऐसे मुसीबत आने दो, परमेश्वर का वचन वो ब्रेक करता है, वो टूटा देता है। इसमें वही लिखा है, मैं वही बात कर रही हूँ कि परमेश्वर का वचन वो सब ब्रेक कर देता है, टूटा देता है जब हम परमेश्वर का वचन रीड करते हैं, हालेलुया। फिर सेकेंड हम देखेंगे, सेवन में देखेंगे, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड डिवाइड्स द फ्लेम्स ऑफ फायर। इसमें लिखा है कि अग्नि ज्वालाएं, तो अग्नि ज्वालय को भी वो डिवाइड कर देता है। हम इसमें मीनिंग में समझ सकते हैं कि वो सात्राक मेशाक अबेदनगो, वो उनको इतनी हाई फ्लेम में रख के आग में डाले थे, पर उसमें भी उनके साथ परमेश्वर थे, उसमें भी उनके साथ वर्ड था, परमेश्वर का वर्ड था। तो इसमें वही लिखा है, परमेश्वर का वर्ड अग्नि ज्वालय को भी डिवाइड करता है, हालेलुया। तो अभी 8 में देखेंगे, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड शेक्स द विल्डरनेस, द लॉर्ड शेक्स द विल्डरनेस ऑफ कादेश। इसमें लिखा है कि विल्डरनेस मतलब जंगल है, मतलब आपको हो सकते हैं कि आपके बाजू वाले आपको इतना हर्ट करके बात कर सकते हैं, आपके कोई लोग आपको बात ही नहीं करेंगे, उन लोग आपसे बहुत विरोध जैसा, एनिमीज जैसा आपसे ये करेंगे, वैसे भी होने दो, परमेश्वर ये परमेश्वर का वर्ड वो जंगल से, उसको हम जंगल ही बोलते हैं, जंगल जंगल से आपको बाहर निकाल के, जो भी आपसे बात नहीं कर रहे वो सब बात करने लगेंगे। परमेश्वर का वर्ड इतना शक्ति सामर्थ से भरा है। तो हम परमेश्वर के वर्ड के बारे में आज बात किए, परमेश्वर का वर्ड क्या क्या है, पावरफुल है, मैजेस्टी है, लिबोनोन के जैसे भी प्रॉब्लम आए वो ब्रेक कर देता है। फिर थर्ड हम फिर फोर्थ हम देखें कि फ्लेम जैसा, फायर जैसा आने दो, फिर भी वो डिवाइड कर देता है परमेश्वर का वर्ड। और फिफ्थ हम देखें कि विल्डरनेस, विल्डरनेस जैसा, जंगल जैसा वो प्रॉब्लम्स आने दो, फिर भी परमेश्वर का वर्ड उसको ये कर देता है, शेक कर देता है, हालेलुया, उससे बाहर निकाल देता है। फिर नेक्स्ट हम देखने वाले इलेवेंथ, लास्ट वर्सेस 11, द लॉर्ड विल गिव स्ट्रेंथ टू हिज पीपल, द लॉर्ड विल ब्लेस हिज पीपल विद पीस। जो भी इस मैसेज को देखेंगे उनको परमेश्वर स्ट्रेंथ देने वाला है, ब्लेसेस देने वाला है और पीसेस देने वाला है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हर एक
वचन को कबूल करेंगे, हर एक एक वचन को एक एक दिन कबूल करते ही रहो, जो भी ये कोरोना वायरस का जो भी ये डर है वो सब निकाल के डाल देंगे। ये वचन ऐसे इतना पावरफुल है। तो परमेश्वर को धन्यवाद, इस मैसेज को जो भी सुनेंगे वो सब परमेश्वर उनको ब्लेस करेंगे, पीस देंगे और स्ट्रेंथ देंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद, थैंक यू, हालेलुया।